हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, लिक्विडिटी बेस पे एंट्री वगैरह को लेके। तो कुछ एंट्री मॉड्यूल्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक एंट्री मॉड्यूल दिख रहा होगा, जिसमें मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। और अपसाइड में जब भी मार्केट जाता है तो क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है या ट्रेंड लाइन लेता है, कि किसी ना किसी लिक्विडिटी को अगेन एंड अगेन अगेन टच करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं कि आपका मार्केट आया देन शूट कर गया, ठीक है। हमेशा मार्केट कुछ पॉइंट्स के बिहाफ पे ही रन होता है, उन पॉइंट्स को आपको पहचानना जरूरी है। जैसे मार्केट यहाँ से अप गया देन हल्का सा डाउन आया, ये करेक्शन पॉइंट। मार्केट अप गया देन मार्केट करेक्शन करने के लिए डाउन आया, मार्केट अप गया करेक्शन करने के लिए डाउन आया, मार्केट अप गया करेक्शन करने के लिए डाउन आया। तो करेक्शन ही करेक्शन है इस मार्केट ने यहाँ क्या किया, ये जो एक एरिया बना है ये क्या बना है, आपका एक सपोर्ट जोन मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड ये एक जो ऊपर वाला एरिया बना है ये आपका एक वो सपोर्ट जोन किया है मार्केट ने। तो इसी तरह क्या करता है, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए आगे बढ़ता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि मार्केट अपने टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। टॉप पे पहुंचने के बाद मार्केट ने क्या किया कि अपना रीसेंट वाला जो लो है मार्केट ने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट रीसेंट वाला लो ब्रेक करेगा वहां पे आपका इल्यूजमेंट होगा, ठीक है। किसी भी केस में इसका कोई रूल, कोई सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि आपका मार्केट अगर अपसाइड में जा रहा है एंड रीसेंट वाला लो अगर आपका मार्केट लेता है तो डायरेक्ट आपका इल्यूजमेंट हो जाएगा। और जब भी आपका मार्केट इल्यूजमेंट लेगा तो वहां पे क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्या कंफर्म हो जाएगा, आपका हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा कि अब पॉसिबिलिटी 50-50 हो चुकी है कि मार्केट या तो अप जाए या डाउन जाए, राइट। और ये कब होगा, जब आपका मार्केट इल्यूजमेंट लेगा, राइट। अब यहां पे क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे इल्यूजमेंट लिया तो मार्केट वापस क्या गया, करेक्शन करने के लिए गया, जो कि यहां पर एक छोटा सा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक एंड अपना जो एफवीजी वगैरह पेंडिंग पड़ा हुआ था, राइट। अब जब मार्केट उसको लेने जाता है तो यहां पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये वाला पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करता है समझिए। सबसे पहले क्या होता है, ये आपका एक जोन होता है, ठीक है। ये जोन इतना बड़ा है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मार्केट क्या करेगा, हल्का सा इसको टैप करेगा जोन को एंड देन मार्केट डाउन आएगा। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि जैसे मार्केट हल्का सा है तो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, कुछ यहाँ पे एंट्री डाल देंगे, ठीक है, और वो अपने ट्रेड को यहां तक प्लान करके छोड़ देंगे। मार्केट क्या किया, करेक्शन करने के लिए फिर ऊपर गया। अब जितने भी लोगों के एसएल थे मार्केट ने सबके एसएल उड़ा दिए फिर से, ठीक है, यहाँ पे गया। देन मार्केट क्या हुआ, हल्का सा फिर डाउन आया। फिर कुछ लोगों के मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एसएल ले लिए, अगेन वापिस ऊपर गया। अब जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट क्या है, फिर से डाउन आया यहाँ पे, ठीक है। अब डाउन आने के बाद क्या किया कि मार्केट जो है अपने जोन के टॉप पे टच कर चुका है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट सडनली इतना जो है अग्रेसिवली डाउन आया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पे करेक्शन करने के लिए मार्केट आया, देन मार्केट फिर आपका डायरेक्टली बूम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रीसेंट वाला जो ये है शॉर्ट टाइम पे आप इसको डायरेक्ट चोज कर सकते हैं, ठीक है। आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट चोज करना है, और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको इल्यूजमेंट रखना है। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ऐसे क्या होगा कि ये 1 मिनट का एंट्री मॉड्यूल है, ये जो मैंने एंट्री मॉड्यूल आपको बताया, ये पूरा ये 1 मिनट का जो एंट्री मॉड्यूल है इसको आपको एंट्री लेते हुए काम में लेना है, ठीक है। कैसे काम में लेना है ये सारी चीजें मैं भी आपको थोड़ी देर में क्लियर करके बता दूंगा, और जब अपन चार्ट पे चलेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि आपका मार्केट जब भी डाउन आएगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एंट्री लेनी है। डिपेंड करता है कि आपका मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा जा रहा है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको तीन रूल बता देता हूँ, वो तीनों रूल आप याद रखें। सबसे पहली चीज, जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो आप 1 ओवरली टाइम पे करें, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 1 ओवर वाला क्या है, ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई है, मैं इसको दोनों लिख देता हूँ। यह आपका 1 ओवर वाला ऑर्डर ब्लॉक और प्लस पीओआई है, यानी ऑर्डर ब्लॉक एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यह आपका 1 ओवरली है, ठीक है, ये आपका 1 ओवरली है। तो इस 1 ओवरली में क्या हुआ कि मार्केट ने टैप किया, ठीक है।
टैप करते ही मार्केट ने क्या किया, सडनली अपने रीसेंट वाला जो लो है उसको लिया, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इल्यूजमेंट कंफर्म कर दिया। अब जब भी मार्केट अपना इल्यूजमेंट कंफर्म करता है तो देन उसके बाद क्या होता है कि इल्यूजमेंट लेने के बाद अपना ये हाई भी कंफर्म हो गया, दूसरी चीज अपना मार्केट पीओआई में भी है, तीसरी चीज मैंने यहाँ पर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेनी है, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक आपको इल्यूजमेंट देखना, एक आपको बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर आपने चेक कर ली है देन आप यहाँ पे एंट्री प्लान करो, राइट। आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। ये क्या होगा कि 100 अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100 में 7 7 जो एंट्री है 7-0, ठीक है, ये एंट्री आपकी एक्यूरेटली काम करेगी, ठीक है। 70 एंट्री आप बाकायदा आराम से अच्छी खासी एंट्री बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट आपको इस पे प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी, वो सारी चीजें करनी होगी, तभी ये प्रोसेस आपका काम करेगा। तो तीन चीजें ध्यान रखना, 1 ओवरली, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, एफिलिएट, जो भी आप मार्क करें वो देख लेना। अगर आप नहीं जानते ये चीजें क्या होती है तो ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोज बना रखे, आप जाके चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद इल्यूजमेंट एंड थर्ड चीज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेनी हूँ मैंने आपको बता दिया है, ओके। चलो ये आपका जो है फर्स्ट टाइप एसएमसी एंट्री कंफर्म हो गया। सेकेंड टाइप एंट्री पे चलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइप जो आपकी एंट्री है वो किस टाइप की एंट्री है वो थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीजें जो है ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। एक कहाँ गया सेकेंड एंट्री अपना, ये रहा, ठीक है। तो सेकंड एंट्री में अपन क्या करेंगे, सेकंड एंट्री के बारे में मैं आपको प्रॉपरली सारी चीजें बताऊंगा एंड समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहां पे अपन सेकंड एंट्री में क्या करेंगे वो आप देखिए। सेकंड एंट्री में क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, जो रिसेंट वाला हाई था, ठीक है, अब समझना, मार्केट क्या हुआ, अप गया करेक्शन करने के लिए डाउन आया, मार्केट अप गया करेक्शन करने के लिए डाउन आया, देन मार्केट अप गया करेक्शन करने के लिए डाउन आया, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है इसने मार्केट ने यहाँ पे इल्यूजमेंट भी ले लिया, ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो चाहे। इल्यूजमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी ग्रेप की, और ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रेप की है ये ओवरली किया, यानी 1 घंटे वाली कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रेप की। अब दो चीजें आप ध्यान रखना, जब भी आपका हायर टाइम फ्रेम मार्केट लास्ट वाली लिक्विडिटी ग्रेप करता है, ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पे कोई कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और इस कैंडल की विग, या जो कैंडल है इस मार्केट ने विग ली एंड देन इसके नीचे क्लोज किया, अगर ऊपर क्लोज कर देता तो अपन ये समझते कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है, बट मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका मार्केट हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेता है तो मार्केट एग्रेसिवली नीचे गिरता है वहां से। क्या, जब भी आपका मार्केट लेफ्ट से राइट वाली एंट्री की तरफ जाता है एंड अग्रेसिवली मार्केट गिरेगा, कब, जब आपका मार्केट हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रेप करता है, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी वगैरह कैसे ग्रेप होती है, चलिए वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए 1 ओवरली पे चलते हैं, ठीक है, और चार्ट पे चलते हैं, सॉरी चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये चार्ट है AUDST, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा इधर से जोन मार्किंग और रखी मेरी ऑलरेडी, इसको हटा देते हैं, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने लिक्विडिटी मार्क की, मार्केट यहां से ये देखिए, ये जो कैंडल है, थोड़ा सा कैंडल पे फोकस करना, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये कैंडल बनी, देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अप गया, अब जाने के बाद मार्केट क्या डाउन है, अब तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि इल्यूजमेंट ले लिया अपना, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना क्या हाई कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, और चार्ट क्या अपना 1 घंटे का चार्ट टाइम फ्रेम अपन यूज कर रहे हैं, तो मार्केट ने ये जैसे भी यहाँ पर रेंज बनाई, चाहे आप इसको कुछ भी कह सकते हो, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि जो 1 ओवरली की फर्स्ट कैंडल है उस पर ब्रेक नहीं दिया, मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट। अब लिक्विडिटी ग्रेप करने के बाद आप देखिए मार्केट कितना एग्रेसिवली डाउन आया, राइट, कितना एग्रेसिवली डाउन आया, इस पूरे मूव को मार्केट ने इंस्टेंट कवर कर दिया, राइट, सिर्फ 2 दिन के अंदर। और यहां से जो मार्केट है इस पॉइंट ऑफ टाइम से मार्केट यहां से
24 से लेकर कितने दिन लगे, यहाँ पे 30, यानी कि यहाँ पे मार्केट को जाने में 6 दिन लगे। इस पीरियड ऑफ टाइम को अगर मार्केट कवर कर रहा है, पूरे 6 दिन के अंदर कवर कर रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड को, राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि सिर्फ इतने से मूव को कवर करने के लिए 2 दिन लगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी बेस्ड एंट्री, ठीक है। आपको कुछ और दिखाता हूं, ये देखिए यहां पे ये इक्वल लिक्विडिटी एंट्री है, ठीक है। यानी कि मार्केट ने क्या किया कि इक्वली यहां पे एंट्री बनाई थी अपने, ठीक है। मैं आपको उसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये मार्केट ने क्या किया कि यहां पे लिक्विडिटी प्लान की इक्वल एंट्री है, ठीक है। इक्वल लिक्विडिटी ली, देन मार्केट अग्रेसिवली गिरा। अब यहां पे जाने में मार्केट यहां डाउन से गया था, यहां पे 25 से गया, देन मार्केट को यहां जाने में लगा कितना 25, सेम डे गया। यहां पे 25 से आया, देन मार्केट के सेम डे आ गया, यानी कि वीक ऑफ की वजह से 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि सैटरडे एंड संडे को तो मार्केट की छुट्टी होती है, राइट। तो इतने एग्रेसिवली मार्केट यहां पे गिरा है, देन मार्केट ये देखिए, ये अगेन यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ली और मार्केट फिर से गया बूम। ये देखिए सिर्फ मैं मार्केट में जितनी भी कैंडल्स बनाई, सारी की सारी रेड कैंडल है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है यहाँ पे, राइट। तो आप अगर लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करना सीख गए तो बहुत अच्छा खासा आप बेनिफिट बना सकते हैं, एक प्रॉफिट भी आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये कुछ चीजें होती है। उसके बाद डाउन की लिक्विडिटी की बात करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ये पॉइंट लास्ट पॉइंट था, इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ टकराया, टकराने के बाद मार्केट कितना ऊपर गया। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ की बात करें तो कितने आप अगर यहां से भी एंट्री पकड़ते हैं तो मेरा मानना है कि आपने 25 पॉइंट तक आराम से एंट्री कैच अप की, ठीक है, जो कि काफी अच्छी एक एंट्री बनी है आपकी यहाँ पे, अगर आपने अच्छे से ली होगी तो, राइट। तो इस तरह से आप मार्केट को कैच कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं लिक्विडिटी बेस एंट्री, ये देखिए यहां पे क्या किया, मार्केट आया, ये आपका लिक्विडिटी जोन होता है, सॉरी ये आपका लिक्विडिटी जोन होता है। इस लिक्विडिटी जोन के ऊपर जब भी कैंडल्स का विक्स का लिक्विडिटी जोन में आया मार्केट, देन मार्केट ने क्लोज नहीं किया। अब इस पॉइंट को अपन अगर 15 मिनट पे देखते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ डोजी बियरी सिंगल फिंग या बुली सिंगल फिंग कुछ ना कुछ तो बनाई होगा डेफिनेटली। ये देखिए बियरिस, तो यहां पे क्या हुआ, यहां से भी आप एक अच्छी खासी एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपका हाई, ये मार्केट रिसेंट मार्केट ने क्या लिया यहाँ पे, ये इल्यूजमेंट ले लिया। अगर आपकी ये एंट्री मिस हो गई थी तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी, ये मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी ली थी, राइट। तो इस तरह से भी आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। कुछ और देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा यहां से नेक्स्ट प्लान है कि मैं मार्केट में यहां से एंट्री लूं, क्यों, क्योंकि अगर आपने बॉस चोज वगैरह पढ़े होंगे तो वो सारी चीजों के बिहाफ से मेरा जो लास्ट पॉइंट है सेलिंग का वो ये वाला एरिया है, यानी कि ये टॉप। अगर मार्केट यहां से क्या करता है कि डाउन आता है, ठीक है, मैं स्नेरियो बता देता हूं क्या रहेगा। मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल ऐसे क्लोज कर दी, ठीक है, ये कैंडल मार्केट ने कुछ इस तरीके से अपनी क्लोज कर दी, तो देन डेफिनेटली मैं समझ लूंगा कि मेरी जो एंट्री है वो बाई साइड में स्टार्ट हो चुकी है। अगर मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, देन मार्केट ने क्लोज ऊपर नहीं किया, क्लोज डाउन नहीं किया, देन विग मारी, तो मैं यहां से क्या करूंगा, जो भी एक एंट्री पॉइंट रहेगा थोड़ा सा यहां से मैं शॉर्ट सेलिंग प्लान करूंगा, ऐसा कुछ। यहां तो हो सकता है यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई पीओआई मार्केट उसको टैप करे, देन अब जाए कुल इस तरह से मार्केट सिनेरियो बना, ठीक है। डिपेंड करता है जब मार्केट यहां पे आएगा तो सिचुएशन को अपने को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। वो सारी चीजें अपन देख के यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिक्विडिटी देखिए, मार्केट यहां पे आया, यहां पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी, यानी कि इस कैंडल को मार्केट ने क्लोज नहीं किया, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस कैंडल पे नीचे चलते जाओ, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी आप किसी भी चीज को कंसिडर मत कर। 99% में जब भी आप बॉस एंड चौक इन दोनों की बात कर रहा हूं, जब भी ये हो तो उसके लिए कैंडल का क्लोज होना नेसेसरी है, 101% नेसेसरी। कोई बोलता है विक्से काम चलेगा वो गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। 101% केस में अगर राइट करना है तो यहां पर भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहां पर भी कैंडल क्लोज नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी विग मारी मार्केट ने, फिर यहां से लेते यहां पर भी कैंडल, फाइनली यहां पे जाके कैंडल क्लोज हुई। तो मार्केट ने क्या, इतने बड़े मूव के बाद अपनी कैंडल क्लोज, राइट। अब यहां पे अगर मैं इसको मार्क करता हूं कि ये नहीं, बट ये गलत है, यहां पे क्या, ये मेरा सिर्फ लिक्विडिटी एंड एंट्री पॉइंट मान सकता हूं मैं इसको,
ठीक है, मेरा जो रियल अगर लो पॉइंट में मानता हूं, ये मेरा कभी भी लो नहीं होगा कि ऊपर मार्केट गया, ये लिक्विडिटी नहीं, ये गलत है तरीका, ठीक है, ये सारे तरीके गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें समझनी होगी, जाननी होगी एंड उनको आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहां से सिनेरियो क्या होने वाला है मार्केट को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि रीसेंट वाला जो लो है ये मार्केट ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, जब भी रीसेंट वाला बाई की साइड ले, सेल साइड, ये अपना इल्यूजमेंट होगा। अब इल्यूजमेंट लेने के बाद ये मार्केट ने क्या किया, यहां पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इसका था, तो इल्यूजमेंट ये कैसे कन्फर्म हुआ, यही लॉजिक है, ठीक है। समझना मैंने क्या बोला, कि अगर ये कंफर्म हुआ यहां पे, तो इस कैंडल से, इस विक से होना चाहिए था। बट मैं आपको एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं कि आपका इल्यूजमेंट कंफर्म होने के लिए सिंगल विक ही काफी है, ना कि कैंडल का क्लोज होना, राइट। अगर आपके यहां पर विक स्वीप भी होती है तो वो भी काफी है, ना कि कैंडल क्लोज हो, राइट। तो आप ये चीज समझ रहे हैं। तो यहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ये बॉस हुआ, ठीक है, ये बॉस पीछे वाला ही कंफर्म हुआ है अभी यहाँ पे। अभी सिर्फ लिक्विडिटी ग्रेप की है, तो आपका ये पॉइंट बना है यहाँ पे, कि ये आपका जो है एक हाई साइड का पॉइंट बना है यहाँ पे, जिसे आप हायर लो कह सकते हैं। ये तो लोअर लो चल ही रहा है, राइट। तो जब भी मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, तो आपका रीसेंट वाला जो पुल बैक है, ये हो गया आपका यहाँ पे इल्यूजमेंट, ठीक है। इसको करते हैं चौच, और ये आपका क्या हो जाएगा, रीसेंट वाला इल्यूजमेंट, ठीक है। जब भी मार्केट, मैंने बताया रीसेंट वाला आपका लो हाई लो जो भी वो लेता है, देन उसके बाद आपका क्या है, चोज कंफर्म हो जाता है। तो ये अपना आईडीएम कंफर्म हो गया, क्योंकि पुल बैक है। आई थिंक आपको पुल बैक देखने आने चाहिए, राइट। ये पुल बैक मार्केट लिया, देन ये अपना हाई टॉप पॉइंट था। जब भी ऐसा वी शेप बनेगा, ये मैंने लास्ट वीडियोज में पढ़ाए हुए कि जो है चौक कैसे देखते हैं, तो उसके लिए वी शेप कुछ बनता है, ठीक है, वो आप देखिए समझ में आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, चोज। बट चोज मेरा यहाँ कंफर्म नहीं हुआ। चोज को कंफर्म होने के लिए कुछ चीजें चाहिए, यानी कि कैंडल क्लोज नहीं हुई तो आगे वाली कैंडल पे चलो, ये कैंडल क्लोज हुई, मेरा कंफर्म चोज क्या हुआ, यहाँ पे मेरा कंफर्म चोज है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, जब भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा, ये यहाँ पे क्या बनता है, मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना जो फाइनल पॉइंट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी बन रहा है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट अपना बोस था, बोस था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी मार्केट बोस की साइड आएगा, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। अगर मार्केट अप जाता है तो वेल एंड गुड है, अपने को अच्छी खासी एंट्री मिलती है, जो कि अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ा है कितने पॉइंट कवर किए मैंने। यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे 50 से ज्यादा पॉइंट मैंने अच्छे खासे कवर किए, राइट। बहुत अच्छी एंट्री बनी। और स्टॉप लॉस की बात करूं तो 14 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि काफी अच्छा था। अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा, कैसे एंट्री लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, मजा आएगा देखने। चलिए 1 मिनट में आ रहे हैं। अब 1 मिनट में कैसे एंट्री लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्केट यहां पे आया, जहां से एंट्री होती रहती, यहां पे आया, ठीक है। ये मार्केट डाउन आया, अब गया, कोई सिनेरियो नहीं बनाया, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता देन अपन समझते कि अपना इल्यूजमेंट लिया, बट मार्केट ने नहीं लिया। डाउन आया मार्केट, आया अपना लास्ट पुल बैक कौन सा था, ये वाला, मतलब पुल बैक ले लिया अपन ने, यानी इल्यूजमेंट ले लिया यहाँ पे मार्केट ने। तो अपना ये जो पॉइंट है, ये लो कंफर्म हो गया। अब इस लो को भी एक मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी ग्रेप की मार्केट ने, ठीक है। और यहां से देखिए, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी इसने बनाई थी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक एंट्री का पॉइंट इसने यहां तक दिया है आराम से। अगर बात करें तो कितने पॉइंट का इसने दिया होगा यहां से, 48.16 से लेकर इसने दिया है 49 तक, आराम से आपको 100 के आराम से पॉइंट्स दे दिए इसने यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कलेक्ट किए होंगे तो, यानी 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको अच्छी खासी एंट्री दी थी, बट कोई ना, आपसे मिस हो गई, समझते हैं। इन केस आपसे मिस हो गई, यहाँ पे आप इस केस को पकड़ ही नहीं पाए। मार्केट ने क्या किया, आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपका आईडीएम ले लिया मार्केट ने, इल्यूजमेंट, आपको अभी पुल बैक देखना नहीं आता। अब इल्यूजमेंट लेने के बाद ये कंफर्म होगा। अब आप क्या करोगे, दो केस है, ये देखिए, यहाँ पे ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये आपका हो गया एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ये वाला पॉइंट, प्लस ये छोटा सा बचा हुआ है, ये आपको दिखा देता हूं मैं,
देखिए ये यहां पे क्लिक करता हूं तो मैं एक बनता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका काम करेगा एज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या आती है, लिक्विडिटी। अगर मार्केट इसको क्लोज नहीं करता तो यहां पे आपके मार्केट ने क्या लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब की देन मार्केट, अब आपको यहां पे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे एंट्री लेना है, कोई ना आगे चलता है, आपसे मिस हो गई। ये अगेन मार्केट यहाँ पे आया, चलो ये भी समझ में नहीं आ रहा आपको, अगेन आया। अगर आप मान लीजिए कैंडल बेस पे ट्रेड करते जैसे डोजी ड्रैगन फ्लाई, तो यहाँ पे आपके मार्केट ने वो भी चीजें बनाई, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी मार्केट ने एंट्री दी है। अगर आपको ऐसे भी ट्रेड करना नहीं आता तो ये देखिए यहाँ से ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, सपोर्ट सपोर्ट कभी भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, फाइनली यहाँ पे जाके ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद डेफिनेटली अच्छा खासा एक मूव किया। चलो यहाँ पे भी आपसे ट्रेड नहीं हो रही, यहाँ पे आप ट्रेड मार लो, यहाँ पे भी आप अच्छी खासी एक ट्रेड मार सकते हो, नो डाउट। ये लो अच्छी खासी ट्रेड उठा लो, चलो यहां से भी आपकी इतनी बड़ी एंट्री मिस हो गई। आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक करना था, ये लो ये एक और ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, चलो यहां से भी अगर मिस हो गई तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा यहां से अगेन एंट्री देगा। अब जिसको इम्बेलेंस देखना आता हो, तीन कैंडल के बीच के गैप को इम्बेलेंस करते हैं, फर्स्ट कैंडल सेकेंड और ये थर्ड, ये लो इम्बेलेंस मार्केट ने कंप्लीटली फिल किया है अच्छे खासे से, कोई डाउट नहीं, मार्केट फिर बूम, ठीक है। चलो कोई ना, यहां से भी एंट्री मिस हो गई तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने ये क्या किया, यहां पे अपना बॉस कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, फिर लास्ट वाला ये पॉइंट ये पकड़ो लो। तो कितनी सारी मैंने एंट्री बताई आपको, कम से कम 10 एंट्री बता दीजिए। अब आपको अगर ये चीजें समझ में आती है देन आप तभी ये चीजें कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन तभी आप इस पे कुछ कर पाओगे, राइट। तो आई होप समझ गए होंगे, 2 महीने एंट्री मॉड्यूल आपको बताया और दोनों काफी इजी थे। थैंक यू सो मच एवरीवन आपका वीडियो देखने के लिए एंड